All I do is fall. Feels like I can make. Let's make these beautiful polymer clay earrings. इसे बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए होगा, जैसे पॉलीमर क्ले, क्ले कटर, जंप रिंग्स, बुलेट क्लच, हुक्स और सुपर ग्लू। ये पॉलीमर क्ले होती है और ये इस तरह की पैकिंग में मिलती है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इस तरह के आपको पैकेट में मिल जाएंगे। इसका आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी और आप इसे अपने लोकल मार्केट में भी सर्च कर सकते हैं। तो अब हम इससे अपनी ईयरिंग्स बनाएंगे। ये क्ले ज्वेलरी बनाने के लिए ही यूज़ की जाती है, तो मैं इसमें से रेड कलर की ईयरिंग बनाने वाली हूँ। एक्चुअली मैं रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देने वाली हूँ, तो मैं रेड कलर की थोड़ी सी क्ले जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है उतनी ले रही हूँ। और फिर अब मैं इससे इस तरह से बना रही हूँ और इसको मैं ट्विस्ट करते हुए एक बहुत प्यारा सा राउंड डिज़ाइन देने वाली हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। ये वैसे मेक एंड बेक क्ले होती है, तो आप इसे बनाने के बाद बेक कर सकते हैं कन्वेक्शनल ओवन में, अगर आपके पास ओवन नहीं है। एक्चुअली मेरे पास OTG है तो मैं उस पे इसको नहीं कर सकती थी और मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया भी नहीं है, तो मैं इसे हेयर ड्रायर से ड्राई करूँगी। आप अगर ओवन नहीं है, अगर आपको उसका आइडिया भी नहीं है, या अगर आपके पास ओवन नहीं है तो भी आप इसे हेयर ड्रायर से ड्राई कर सकते हैं, तो भी ये बहुत अच्छे तरह से बन जाते हैं। लुक एट दिस, कितनी अच्छे से ये ट्विस्ट हो गया और इतने अच्छे से राउंड राउंड ये एक शेप क्रिएट हो गई, बहुत अच्छे लगते हैं ये पहनने के बाद। अभी मैं आपको एंड में इसका फाइनल लुक भी दिखाने वाली हूँ। और अब मैंने ये ब्लैक वाली क्ले ली है जिससे मैं एक छोटा सा सर्कल क्रिएट करूँगी। आप चाहें तो कटर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे सर्कल इस तरह से मैंने जैसे थंब से प्रेस करके बनाया, या फिर आपके पास कोई छोटी सी कैप हो तो, मतलब जो ढक्कन होते हैं किसी भी चीज़ का, ऐसा कुछ कैप हो तो आप उससे भी इसको कट कर सकते हैं। और अब ये दोनों शेप रेडी हो गई हैं, इनको मैं ड्रायर से ड्राई कर लेती हूँ और उसके बाद इनको ईयरिंग बनाने के लिए ये बुलेट क्लच, इन दोनों के पीछे सुपर ग्लू की हेल्प से मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगी और फिर हमारे ईयरिंग्स बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और अब ये दोनों बिल्कुल अच्छे से पेस्ट हो गए हैं और पहनने के लिए एकदम रेडी हैं। चलते हैं अपने दूसरी डिज़ाइन की तरफ, जिसके लिए मैंने ये ब्लैक क्ले ली है और मेरे पास एक ये शेप थी, तो इससे मैं इसे कट करने वाली हूँ और इस शेप की हेल्प से मैं सर से प्रेस करते हुए क्ले को कट कर दूँगी। और क्योंकि ईयरिंग दोनों कानों के बनाने हैं ना, तो इसलिए मैं दो शेप कट कर रही हूँ, दोनों ईयरिंग के एक साथ शेप कटिंग कर रही हूँ सेम क्ले से। और मैं यहाँ पर ना एक छोटा छोटा होल कर दूँगी, मतलब दो होल कर रही हूँ एक में, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या करना है। और मैंने इस तरह से शेप और कट की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये डिज़ाइन कुछ ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है, तो मैं कुछ इसका डिज़ाइन चेंज करती हूँ। बाकी ये येल्लो कलर का मैंने इसके साथ कॉम्बिनेशन देने वाली हूँ, इसलिए मैंने येल्लो वाली क्ले का ना छोटे छोटे बबल्स टाइप का ऐसा डिज़ाइन क्रिएट किया है इसके ऊपर। मैं ऐसे 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 छोटे छोटे बबल्स बना रही हूँ, मतलब छोटी छोटी क्ले को ना तोड़ तोड़ के ऐसे ही जस्ट राउंड राउंड बनाकर ऐसे पेस्ट कर रही, ऐसी मतलब उस पर लगा रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली उस पर पेस्ट हो जाएगी। थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ना तो ऐसे पेस्ट हो जाएगी। मैं आपको बोल रही थी ना कि मुझे ये डिज़ाइन कुछ पसंद नहीं आ रहा, तो मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन रिमूव कर दिया और मैं एक दूसरा डिज़ाइन बना रही हूँ। तो मैंने ना येलो टच देने के लिए, वो सिर्फ बबल्स येलो थे तो ऊपर भी एक येलो देने के लिए मैंने येलो क्ले ले ली। और मेरे पास ना एक और कटर की शेप है, मतलब क्या है वो, एक काजू की बर्फी वाला शेप नहीं होता, वैसी शेप है ये,
तो मैंने ये येलो वाली क्ले से इस तरह की शेप कट की है, जो मैं यहाँ पर जो हाफ राउंड बनाया ना मैंने ब्लैक वाला, उसके ऊपर मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ, तो ये एक अच्छा सा एक और डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा, कुछ डिफरेंट लुक भी आ जाएगी। वैसे आप चाहें तो अपनी डिज़ायर से अपने आप कुछ भी कोई भी डिज़ाइन ढूंढ कर या ख़ुद से कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो मैंने ये बना दिया, और अब ये डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें भी मैं उस तरह से होल्स कर दूंगी जैसे मैंने पहले किए थे, और मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको बताऊँगी ये होल्स क्यों करने हैं, तो ये जंप रिंग्स इसमें से पास करने हैं, लेकिन हमें पहले इसे ड्राई कर लेना है, उसके बाद ही इसमें से पास करना है। अगर हम इसे बिना ड्राई किए करेंगे तो ये टूट जाएगा। और अब चलते हैं अपनी तीसरी डिज़ाइन की तरफ, जो मैं येलो ग्रीन इन दो कलर्स के साथ बनाने वाली हूँ। थोड़ा थोड़ा सा रेड भी उसमें डाल दूँगी, क्योंकि मैं वाइट कलर के इस पर फ्लावर्स छोटे छोटे क्रिएट करने वाली हूँ। एक्चुअली फ्लावर जैसी लुक आएगी तो वो रेड रेड उसमें आ जाएगा ना, तो अच्छा लुक आएगा। तो उसके लिए मैंने येलो क्ले ली है, इससे मैं एक सिंपल सी शेप देने वाली हूँ, बहुत सिंपल शेप है, बस ऐसे बन गया ये, है ना कितना इजी। अब मैं जल्दी से दूसरी शेप भी रेडी कर लेती हूँ, दूसरे ईयर के लिए भी रेडी कर लेती हूँ। और अब बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया ना, मैंने ग्रीन कहा था ना आपको, तो उसके लिए मैंने ये दो ग्रीन सर्कल लिए हैं, जिसे मैं अगेन थंब से प्रेस करके ऐसे दो सर्कल्स बना रही हूँ। और अब इसमें मैं थोड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट करूँगी, तो उसके लिए मैं ग्रीन क्ले को लिया है, थोड़ा वाइट क्ले, थोड़ी रेड क्ले, इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स का डिज़ाइन बनाकर एक प्यारा सा डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगेगा पहनने के बाद। और जैसा कि मैंने आपको बोला ना कि मैं ग्रीन कलर से इस पर डिज़ाइन बना रही हूँ, तो फ्लावर्स बनाऊँगी। फ्लावर्स के लिए मैंने एक छोटा सा ना ब्रांच क्रिएट करी है ग्रीन कलर की। अब मैं ये वाइट वाली क्ले से छोटे छोटे ना सर्कल्स बना के लगा दूँगी, और उसी से जिससे मैंने होल किया था उससे एक एक ना इन पर, मतलब होल नहीं, इसे टच कर दूंगी तो थोड़ा छोटा छोटा सा होल सा आ जाएगा उस पर, जैसे फ्लावर के सेंटर में होता है ना उस तरह से, तो अच्छी सी एक शेप आ जाएगी। और यहाँ पर भी मैं होल्स बना दूंगी, इनको ड्राई करने से पहले बनाना है। होल्स बना रही हूँ इसलिए क्योंकि अब ये ग्रीन वाले को येलो के साथ जोड़ना भी तो है, तो जॉइंट कैसे करेंगे, वो जंप रिंग डालकर इस तरह से। और अब मैं बनाने वाली हूँ वाइट ईयरिंग, जिसके लिए मैंने एक ओवल शेप ली है, थोड़ी ओवल टाइप की ही शेप है ये, एक इस तरह की शेप ली है मैंने वाइट क्ले से। और इसके ऊपर मैं बहुत सिंपल सा डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, मैंने बहुत सिंपल सिंपल डिज़ाइन ही सोचे हैं आप लोगों के लिए, कि बनाना भी ईजी हो और ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना हो, तो जल्दी से बन भी जाए। और अब इस वाइट के ऊपर मैंने ये इस तरह से ग्रीन दिया है, और अब मैं साथ में येलो येलो छोटे छोटे ना सर्कल्स, जैसे मैंने उसमें वाइट में लगाए थे ना वो येलो वाली इयररिंग्स में, वैसे इस तरह से लगा दिए। लुक एट दिस, आप इसे पास से देख सकते हो, कुछ इस तरह का डिज़ाइन ये मैंने क्रिएट किया है। अगेन इसमें होल करके मैं ये जंप रिंग इसमें डाल दूँगी, बस ये सिंपल से इयररिंग रेडी हो जाएंगे। और इस तरह से ना इसमें मैं वो हुक्स डालूँगी हैंग करने के लिए, कान में लगाने के लिए, ये ऐसे वाले हुक्स ये इसमें लगा दूंगी,
याद रखना इसे ड्राई करने के बाद ही डालना है। और अब बनाते हैं अपना एक प्यारा सा डिज़ाइन रेड कलर का। ये मैं पूरा रेड बनाने वाली हूँ। बहुत सारे रेड रेड ड्रेसेस हैं, रेड टी शर्ट्स हैं, तो ये ना इयर रिंग्स कुछ इस टाइप के होते हैं जिन्हें आप इंडियन के साथ भी पहन सकते हैं और वेस्टर्न के साथ भी पहन सकते हैं। तो आप कुछ भी डिज़ाइन बना लो बट चल दोनों के साथ जाते हैं। तो मैं ये कुछ इस तरह की शेप दे रही हूँ। बहुत सिंपल है बट बहुत क्यूट लगती है, बहुत स्मार्ट लुक लगता है इसका। और मैं इस तरह से इसको डिज़ाइन देते हुए ना, कटर नहीं था तो मैं इसी से जैसे साइड से ऐसे शेप देकर कट कर दिया मैंने इसे। और अब ये प्रेस करके इस तरह से जो सिंपल डिज़ाइन था वैसे बना दिया मैंने इसे। और इसमें होल कर रही हूँ और होल करने के बाद इसे ड्राई कर दूँगी और वापस से इसमें जंप प्रिंट डालकर इस तरह से इसे रेडी कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं सुपर ग्लू की हेल्प से इधर वो बुलेट क्लच लगाने वाली हूँ। प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा डिज़ाइन सबसे अच्छा लगा।